इस पूरा कल का एडिट किया हुआ व्लॉग डिलीट हो गया मुझसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस पूरा मूड खराब हो गया, पूरे मूड की स्थिति हो गया आज। इस पूरा कल का एडिट किया हुआ व्लॉग डिलीट हो गया मुझसे, और मैंने उससे पहले उसकी सारी क्लिप भी डिलीट कर दी थी। अपना तो व्लॉग वापस हो सकता है ना, कुछ हो सकता है। इस तरह मस्त व्लॉग था यार, टाइटल थंबनेल सब कुछ सोच लिया था यार, फिर भी चलो कोई नहीं गाइस, चलाओ काम। अभी व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, आज व्लॉग आना था 7 बजे, बट क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मूड तो खराब हो गया, मिलता हूँ आपसे। तो गाइस नहा धो के ऑल सेट, अभी खाना वाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी कुछ देर में डॉग्स को खाना खाना दूंगा। तो ये भी नहीं कह सकता कि डॉग्स को लेके जाऊँगा कहीं, अकेला हूँ, खा लेके जाऊँगा, टाइम टाइम की बात है, कभी से ना कभी रात है उनसे बाप भाई। तो गाइस सारे डॉग्स को ऊपर ले आया हूँ, खेल लेंगे यहाँ पे, ये मस्ती वस्ती कर लेंगे। देखो दिखाता हूँ कितने आ गए ऊपर, एक एक करके सबको ऊपर ले आऊँगा। अब दिखाता हूँ कितने ऊपर आ चुके हैं। उसकी है एला, अपना छोटा डॉन चुटकू महाराज, अपनी काली, अपनी सिमी, ए सिमू, मतलब अभी तक सिर्फ 4 डॉग ऊपर आ चुके हैं। ये देखो छोटू महाराज अपना क्या कर रहा है। एला इसको गाइस नीचे नीचे रहने में ज़्यादा मजा आते हैं, तो नीचे रहने सोचती रहती है। टिक्स चेक करने पड़ते हैं गाइस टाइम टाइम पर डॉग्स के, कोई टिक्स नहीं। चलो गुड गर्ल, गुड गर्ल। चलो ये आ गया अपना शेरू महाराज, उम्र के साथ बूढ़ा होता जा रहा है। गाइस शेरू 9 साल का हो चुका है आस पास। ये आ गई अपनी बेला रानी, चलो बेला तू भी आ जा, अलाव होगी तू भी। बस बेला टेल वीडियो में कितनी लंबी आ रही है यार, बेला तेरी टेल बहुत लंबी आ रही है वीडियो में ना ना। तो गाइस ये अपनी इम्पोर्ट फीमेल हेडल की शान, इसके ऊपर अपने पास तो सारा बेला, सॉरी देखो मेरे दो मन मोल रतन। चलो चलो अंदर, अभी और आते होंगे। रोक्सी रूपा आ गई अपनी, चलो रोक्सी भी आने दे, रूपा आ गई अपनी मेरी। ए रूपा, हाँ ज़्यादा खा लिया, पेट डोल के होगा बेचारी का। तो गाइस आ गई अपनी रोक्सी, चल रोक्सी का। इसको ऊपर लाते डर लगता थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसने किसी को लॉक लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। रोक्सी बेटा गंदी रखा थोड़ा, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़ी छत अपनी, काफ़ी बड़ा स्पेस है डॉग्स घूमने के लिए। देखो दिखाता हूँ आपको एंड पे जाके, कोने में जाके दिखाता हूँ कितना बड़ा स्पेस पड़ता है। ये मैं चढ़ गया, कितना बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा है वो, देखो आज काफ़ी बड़ा स्पेस देख सकते हो आप लोग, कितना काफ़ी बड़ा स्पेस है अपने पास। तो कोई दिक्कत नहीं है डॉग्स को, यहाँ पे आराम से खेल कूद कर सकते डॉग्स। तो गाइस अपने डक्सी और छोटी ऊपर आ चुके हैं। हाँ छोटी छोटू छोटू डक्सी हो रहा है, इसकी उल्टी लगातार ऊपर से चालू जाते हैं डक्सी ना। और गाइस काली और एला को मैंने नीचे भेज दिया है, ये ऊपर आ चुका है डक्सी महाराज, अपना छोटी और अपना रैम्बो महाराज, वो जब शायद जब से कूदा फांदी में लगा हुआ है। रैम्बो गाइस ये वही पप्पी है जो मैंने आपको दिखाया था जब मैं इसको छोटा बचपन में लेकर आया था। माय न्यू पप्पी लैब्राडोर नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर व्लॉग, जो अगर किसी ने देखा तो जाकर देखो, उस टाइम देखा आया था, आज देख लो कैसा हो रहा है। और बेला देखो अपनी फुल शॉक क्वालिटी फीमेल, वाह भाई ये फीमेल विद पेपर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अभी मैं दिल आ गया फीमेल खा गई है जी। ये देखो अपनी रबड़ी भी ऊपर आ चुकी है, रबड़ी तरह पार लेगी वाह, ये रबड़ी भाई इसका नाम रूबी, मैं इसको रबड़ी बोलता हूँ रबड़ी। मेरा एक भी डॉग अनहेल्दी नहीं है,
सिवाय लूसी के, मेरे एग्जामिनर की फीमेल है लूसी, उसके अलावा मेरा एक भी डॉग अनहेल्दी नहीं है लिटरली। ओवर हेल्दी इसलिए है क्योंकि कमज़ोर है वो, पता नहीं क्यों, शायद उसको टिक फीवर है और उसकी दवाई मैं चला रखी है 21 दिन का डॉक्टर ने कोर्स बताया है, आज मुझे हफ्ता हो चुका है उसको दवाई देते हुए। अब देखते हैं उसको टिक फीवर है नहीं है, डॉक्टर ने कहा मुझे सांस लग रहा है, डॉक्टर के पास ले गया था तो अगर मुझे पता चला, बाकी डॉक्टर भी अपने घर पर जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इसको टिक फीवर लग रहा है, इसको मेडिसिन दो। मैंने इसको 21 दिन का कोर्स होता है मेडिसिन का टिक फीवर का, और 7 दिन हो चुके उन्हें देते हुए, मैं टिक रहने तो नहीं था, मैं हाथों हाथ उनको इंजेक्शन या फिर मेडिसिन आती है वो दे देता हूँ। अब जो भी डॉग लवर हैं, डॉग ओनर, उनको पता होगा टिक एक बहुत मतलब तगड़ी समस्या हो जाती है अपन डॉग ओनर्स के लिए, बस ये दिक्कत है। अब उसको हालांकि टिक थे नहीं, एक हाथ हो और वो गलती से तोड़ दिया गया तो टिक हो सकता है, बाकी पता नहीं भाई। हाँ रैम्बो, हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे रूपा? गाइस मैं कान नहीं कटवा था रूपा के, चाहे मैं कटवा सकता हूँ पर देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ अगर गाइस आप कमेंट में बताओ रूपा का कान कटवाऊँ या नहीं। तो गाइस अपना बोला मारा जाएगा, बोला ए बोलू, अरे बोलू 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 बोलू, ए भोलू भोलू भोलू, ए गंदे बच्चे हटा बोले, कुछ तो कपला है मेरे भाई, बोले ना ऐ तो कोई मानेगे, हाँ हाँ हटा जा, आ चीजी दूंगा, हाँ बोलो, हाँ बोलो चीजी दूंगा, आ जा मैंने बोलती, आ जा बस। ये अपना मिस्टर भोला दीपक भाई ने भी इसके दिल के ऊपर राइट किया था मेरी स्टोरी के ऊपर, कल जमा करवाने के पैसे, ठीक है आज मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आज के लोग क्या बोल, सो गाइस आज के लोग कैंडिंग है पे करता है, मैं सीधा नेक्स्ट लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।